वेलकम बैक। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ अमेजिंग से मेकअप हैक्स जो होने वाले हैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल। मैंने मेकअप लुक क्रिएट किया है इन्हीं सारी हैक्स की हेल्प से, तो अगर आप सभी इंटरेस्टेड हैं इन सारे हैक्स में प्लीज कीप वॉचिंग। अगर आपका प्राइमर खत्म हो गया है या आपके पास प्राइमर नहीं है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ले सकते हैं एलोवेरा जेल और मॉइस्चराइज़र और उसे मिक्स करके आप अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस पर। ये बहुत ही अच्छा प्राइमर का काम करता है और बहुत ही अच्छा बेस प्रोवाइड करता है, आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाता है। कि आप भी परेशान हैं मेरी ही तरह अपने अंडर आई डार्क सर्कल से और आपके पास भी कलर करेक्टर नहीं है, ऐसे में आप ले सकते हैं अपनी रेड लिपस्टिक और उसे अप्लाई कर सकते हैं अपने अंडर आई में। फिंगर टिप की हेल्प से या ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं। उसके बाद मैं ले रही हूँ कंसीलर और कंसीलर को मैं अपनी पूरी अंडर आई पर लगा दूंगी जिससे कि वो कवर कर ले मेरे डार्क सर्कल को। और क्योंकि हमने कलर करेक्टर या हमने रेड लिपस्टिक को अप्लाई किया है उस वजह से रेडनेस थोड़ा ज़्यादा आ जाती है, तो कंसीलर को सेट करने के लिए आप ले सकते हैं कोई भी लूज पाउडर। और इसी तरीके से हम करेंगे अपने डार्क सर्कल को कवर। नेक्स्ट एक की जरूरत तो हम सभी को कभी ना कभी पड़ती ही है। हमारा फाउंडेशन कभी भी खत्म हो जाता है और उस टाइम पर हमारे पास नहीं होता है कोई दूसरा फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए, तो उस टाइम पर आप कर सकते हैं अपने कॉम्पैक्ट पाउडर को यूज। कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर लूज पाउडर को आप अप्लाई कर सकते हैं एलोवेरा जेल में मिक्स करने के बाद, और वो बहुत ही अच्छी कवरेज देता है। बहुत ज़्यादा हाई कवरेज तो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ डेली रूटीन का अगर मेकअप आप कर रहे हैं तो अच्छी खासी कवरेज आपको दे देगा। आप लोग खुद ही देख लीजिए इसने कितना अच्छा कवरेज मुझे दिया है और कितना अच्छा बेस इसने प्रोवाइड किया है। क्योंकि मेरी आईब्रोज हैं बहुत ही ज़्यादा थिन, इस वजह से मुझे ज़रूरत पड़ती है इसे सेट करने की, और सेट करने के लिए मैं लेती हूँ मस्कारा की विंड, और मस्कारा विंड से मैं अपनी आईब्रोज को सेट करती हूँ। इससे हमारी आईब्रोज भी सेट हो जाती हैं और हमें थिकनेस भी प्रोवाइड करती है। क्या मस्कारा ड्राई होने के बाद आप अपने मस्कारा को फेंक देते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको अपने मस्कारा को फेंकना नहीं है, बल्कि आप उसे रीयूज़ कर सकते हैं। आपको लेना है बॉइल्ड वाटर और उसमें आपको अपने मस्कारा को डालना है। 5 मिनट के लिए आपको वेट करना है, 5 मिनट के बाद आपको अपने मस्कारा को निकालना है और आप अपने मस्कारा को दोबारा से कर सकेंगे यूज़, क्योंकि आपका मस्कारा बिल्कुल भी ड्राई नहीं रहेगा। कि आपको मस्कारा लगाने के बाद भी नहीं मिल पा रही है वॉल्यूम, तो कोई बात नहीं, आपको लेनी है वैसलिन की डिब्बी और वैसलिन अप्लाई करना है अपनी लैशेस पर। उसके बाद आपको अप्लाई करना है मस्कारा। आपको 2 कोट मस्कारा के लगाने हैं और आप देखेंगे कि आपकी जो आई लैशेज हैं वो बहुत ही वॉल्यूमनाइज हो जाएंगी और ऐसा लगेगा कि आपने फॉल्सीज अप्लाई की हैं। सोचिए आप मस्कारा अप्लाई कर रहे हैं और आपका मस्कारा ही ख़त्म हो जाए, तो आप लोग ले सकते हैं एक आईलाइनर की बॉटल और अप्लाई कर सकते हैं अपने मस्कारा विंड पर आईलाइनर को, देन अप्लाई कर सकते हैं उसे अपने आईलैशेस पर। बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि आपने मस्कारा लगाया है आईलाइनर, और ये ऐसा है कि जो मैं काफ़ी टाइम से अप्लाई कर रही हूँ। ये है कि आपके आईलाइनर के लिए। अगर आपके पास आईलाइनर नहीं है या आपका आईलाइनर ख़त्म हो गया है तो आप अपनी काजल पेंसिल को यूज़ कर सकते हैं एज एन आईलाइनर। आप लोग ले सकते हैं एक ब्रश, उसमें अप्लाई कर सकते हैं काजल को, देन अप्लाई कर लीजिए आप लोग आईलाइनर। आप लोग काजल से बहुत ही ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं अपने आईलाइनर को और बहुत ही सुंदर लगती हैं आईज काजल को अप्लाई करने के बाद। लेकिन अगर आप चाहते हैं आप किसी और शेड का लाइनर लगाएं तो आप कोई भी शेड के लिपस्टिक ले सकते हैं और उससे भी एज ए लाइनर अप्लाई कर सकते हैं अपनी आईज पर, बहुत ही सुंदर लगती हैं। डेली रूटीन में हर कोई हाइलाइटर लगाना प्रेफर नहीं करता है, लेकिन फिर भी वो नेचुरल ग्लो चाहते हैं अपने फेस पर, तो उसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं वैसलीन अपने स्किन पर, आई मीन चीक बोन्स पर, और वो बहुत ही अच्छा नेचुरल ग्लो देता है। देख सकते हैं आप लोग डिफरेंस। लेकिन आप लोगों को बहुत ही कम अमाउंट में लेना है वैसलीन को, अदरवाइज आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगी
और आप इसे अपने नोज पर और जो भी हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ब्लश नहीं है और आप चाहते हैं बहुत ही अच्छा ब्लश का इफेक्ट, तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं अपनी पिंक कलर की कोई भी लिपस्टिक, उसे अप्लाई कर सकते हैं एज ए ब्लश। बहुत ही सुंदर और रिफ्रेशिंग सा लुक आता है ब्लश को अप्लाई करने के बाद। तो ये है मेरी वीडियो का लास्ट हैक और बहुत ही अमेजिंग हैक है ये। अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर शेड की लिपस्टिक नहीं है लेकिन आप किसी थीम पार्टी में जा रहे हैं, आपको उसी शेड की लिपस्टिक चाहिए, तो आप लोग ले सकते हैं आईशैडो पैलेट, उसमें से कोई भी कलर पिक कीजिए और वैसलीन की हेल्प से आप लोग वेयर कर सकते हैं उस लिपस्टिक को। देखिए कितना अच्छा पिगमेंट आता है इससे, बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि आपने आईशैडो पैलेट यूज़ किया हुआ है, और बहुत ही सुंदर लगती है ये लिपस्टिक्स, बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग भी होती है। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये जितने भी हैक्स हैं मैंने पर्सनली इन्हें अप्लाई किया है और ये बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं, मैं आज तक इन्हें यूज़ करती हूँ। अगर आपको ये सारे हैक्स पसंद आए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।